इसी उत्ताप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में। हाई सिर्फ अपडेट की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम ने प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने आज धार जिले में बंदनावर के निकट दोत्रियों में 800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित हो रही एड्यूराफी की नवीन औद्योगिक इकाई के भूमि पूजन किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में तकनीकी वस्तुओं के उत्पादन प्लास्टिक रिसाइकल के लिए एड्यूराफी द्वारा बदनावर में लगाए जा रहे हैं। संयंत्र से लगभग 6000 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यह क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। एड्यूराफिब की इस नवीन औद्योगिक इकाई से प्रदेश के 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और 4000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बदनावर में स्थापित हो रही मैसर्स एड्यूराफेम की नवीन औद्योगिक इकाई दोत्रिया के भूमि पूजन में निवासी से बीसी से सम्मिलित हुआ। प्रदेश में निवेश कर रही औद्योगिक इकाइयां स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता दे। जिन स्थानों पर उद्योग लग रहे हैं उसके आसपास निवासरत युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा उनके कौशल उन्नयन में औद्योगिक इकाइयां संवेदनशीलता और तत्परता से कार्य करें। दोत्रिया बदनावर में भूमि पूजन स्थल पर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दंतीगाम और विधायक श्रीमती नीनी वर्मा उपस्थित थी। प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री संजय शुक्ला मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से सम्मिलित हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। गेहूं चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की गई है। खाद्य प्रसंस्करण में निवेश ध्यान दिया जा रहा है। खेती के साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास में रिकॉर्ड स्थापित करने की ओर हम अग्रसर है। फार्मा क्षेत्र से प्रदेश से 10,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है। प्रदेश में औद्योगिक में निवेश से रोजगार के अवसर भी सर्जित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने पिछले 3 माह में 13,50,000 युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है। प्रदेश को गौरवशाली वैभवशाली समृद्ध संपन्न और सशक्त बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प को साकार करने की ओर हम अग्रसर है। तो यह था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।